हमारी एयर के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी पॉइजनस गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेड पॉइजनिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि जितना धुआं जो होता है, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें लेड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होता है इसके कारण हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, लंग्स कमज़ोर होते हैं। नॉट ओनली लंग्स कमज़ोर होते हैं, ये हमारे पूरा ब्लड में जा कर के हमारे जो हार्ट है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी कमज़ोर करता है। तो अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो न केवल हमारे लंग्स तक ही सीमित रहते हैं, वो हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मैंने जैसे बोला हार्ट की डिजीज़, स्ट्रोक तक होता है, और अगर हम इंजेस्ट करते हैं कुछ चीज़ें तो वो हमारे पेट में जा कर के भी कई तरह की प्रॉब्लम्स करती हैं। जब हम किसी भी चिकित्सा में जाते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम पहले बॉडी को डिटॉक्स करें, और ख़ास तौर से इसमें क्योंकि टॉक्सिन्स अंदर चले गए हैं, तो डिटॉक्स करने के लिए पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। बहुत कॉमन एक चीज़ है नीम, नीम के पत्ते हम ताज़ा सेवन कर सकते हैं, नीम की टेबलेट्स हम लोग बनाते हैं वो सेवन कर सकते हैं, या फिर नीम के पत्ते पानी में उबाल करके आप उससे स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन केवल हमारे अंदर नहीं जा रहा है, हमारी स्किन के पोर्स में से भी अंदर जाता है, तो उनको साफ़ करने के लिए। दूसरा, तुलसी बहुत अच्छी होती है, उसमें से एक एरोमेटिक जो है एक एरोमा निकलता है जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल उसका गुण पाया जाता है, और तुलसी के पत्तों का सेवन भी किया जा सकता है, उसको जो है थोड़ा पेस्ट बना करके आप लें। तीसरी चीज़ है हल्दी, अगर हम हल्दी नियमित रूप से सेवन करें तो न केवल हमारे लंग्स की सफाई वो करती है, वो आजकल तो उसमें काफ़ी जो अगर मॉडर्न भाषा में सुने तो एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सब पाए जाते हैं, एंटी कैंसर भी है, क्योंकि पॉल्यूशन से लंग कैंसर भी होता है। तो हल्दी का सेवन नॉर्मली हम लोग बताते हैं या तो घी में मिला के करें या शहद में मिला के, आजकल लोग दूध में डाल करके भी पीते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अगर हम बॉडी को पूरे को डिटॉक्स करना है, और ख़ास तौर से हमारे तीनों दोषों को हमें शांत करना है, वात पित्त कफ को, तो त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला चूर्ण जो है रात को एक चम्मच अगर हम गुनगुने पानी से लें तो उससे हमारे बॉडी के काफ़ी सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, और हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई और इम्बैलेंस हो वो भी बैलेंस में आता है। एक और चूर्ण हमारे यहाँ लिखा है, उसको त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं हम लोग, उसमें सौंठ, पिपली और काली मिर्ची, ये तीन चीज़ें होती हैं, तो ये विशेष तौर पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब पॉल्यूशन होता है हवा में तो उससे डायरेक्ट हमारा लिंक लंग्स का है, तो काफ़ी सारी पल्मोनरी डिजीजेज जैसे कि अस्थमा है, या लंग्स में जाकर के आके ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या ब्रोंकाइटिस है, या फिर सांस लेने में तकलीफ़ है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं, ये सब में जो है ये त्रिकटु चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। जो पॉल्यूशन हमारे डीपर लेवल में चला गया है, सेलुलर लेवल में चला गया है, हमारे धातु लेवल में चला गया है, उसको साफ करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। एक सिंपल तो आप घर में भी कर सकते हैं, उसको नस्से बोलते हैं, अगर नाक में आप रेगुलरली देसी घी दो दो बूंद डालें तो उससे आपको लाभ मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए गुड इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग रहता है तो एक बार को आप अगर किसी पॉल्यूशन में जाते हैं या कोई पॉल्यूटेंट्स आपके अंदर चले जाते हैं तो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर है, अगर वो स्ट्रांग है तो यू कैन स्टिल फाइट इट आउट एंड यू कैन नॉट फॉल सिक। काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जो अगर हमको इंडोर लगाएं तो ऑक्सीजन देते हैं, वो पॉल्यूशन को फाइट करते हैं। उसमें मुख्य रूप से सिंपल सा है, एक एलोवेरा अगर आप लगा लें, मनी प्लांट भी आप जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा एक प्लांट होता है, उसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, वो भी है, एक स्नेक प्लांट है, ये सब मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, ये आप घर में लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में एक एरिका पाम भी बड़ा अच्छा एक प्लांट है, जो कि पॉल्यूशन से फाइट करने में अच्छा वो सहायक होता है। बैम्बू प्लांट, एक बैम्बू पाम उसको दूसरा प्लांट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो अपने बॉडी में थोड़ा ऑयल लगाना शुरू करिए एवरीडे, तेल की मालिश बहुत अच्छी, एक तिल के तेल की मालिश रेगुलर करेंगे, नाक में घी डालेंगे, तो प्रिपेयर योरसेल्फ। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें, च्यवनप्राश का सेवन आप करें, लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक जो टॉनिक है, रेगुलर अगर च्यवनप्राश खाना शुरू कर देंगे तो जो पॉल्यूशन आएगा वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा।